हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सा डाइट चार्ट 4 से 7 साल के बच्चे के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। जब बच्चा सुबह उठेगा मॉर्निंग में तो हमें उसको 1 गिलास पानी देना है और उसके बाद बच्चों को बोलें कि आप कम से कम 5 मिनट का वॉक ज़रूर करें बच्चा। उसके बाद जब बच्चा फ्रेशन अप हो जाएगा तो उसको आपको रात में भिगे हुए सॉफ्ट नट्स देने हैं, जैसे कि अंजीर हो गया, बादाम हो गए, अखरोट हो गया या किशमिश हो गई। क्वांटिटी आप इसमें रखेंगे 4 से 5। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में जब हम बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की, तो कुछ बच्चों को पसंद होता है फर्मेंटेड फूड, किसी को नहीं पसंद होता। तो अगर आपके बच्चों को पसंद है तो आप उसे डोसा, अप्पे, इडली, कोकोनट चटनी के साथ या सांभर के साथ दें। नहीं तो मूंग दाल चीला हो गया, बेसन चीला हो गया, आलू प्याज पराठा हो गया, चीज़ सैंडविच हो गई या ब्रेड ऑमलेट या बॉइल्ड एग्स। तो ये थे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। जो भी बच्चा आपका बच्चा इसमें से खाना पसंद करे आप उसको दे। अब आते हैं मिड मॉर्निंग में। तो मिड मॉर्निंग में क्योंकि बच्चा इस टाइम पे स्कूल में होगा और उनका फ्रूट ब्रेक रहता ही है, तो मिड मॉर्निंग में कोई भी सीजनल फ्रूट्स, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं अभी इस सीज़न में, तो कोई भी सीजनल फ्रूट बच्चे का फेवरेट आप उसको दे दीजिए। अब आते हैं लंच में। आजकल कुछ कुछ स्कूल्स क्या होता है कि मील प्रोवाइड करते हैं स्कूल्स में, तो वो मील तो जो उनके उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, स्कूल के अकॉर्डिंग, या तो बच्चा वो खाएगा। और अगर आप घर से बना के भेज रहे हैं तो इसमें ऑप्शंस यहाँ, ये तो मैंने घर वाले ऑप्शंस लिखे हैं कि बच्चे दाल राइस आप लंच में दे सकते हैं, या रोटी सब्ज़ी, या चिकन करी राइस, या फिश करी या राइस, या नॉनवेज पुलाव। बट अगर बच्चा लंच लेके जा रहा है अपने स्कूल में, तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रोटी सब्ज़ी रहेगी। सब्ज़ी में आप पालक की सब्ज़ी दे सकते हैं, पम्पकिन दे सकते हैं, बच्चे को भिंडी की सब्ज़ी दे सकते हैं, लौकी की सब्ज़ी दे सकते हैं, जो बच्चे को पसंद हो आप वो दीजिए। प्लस उसके साथ 2 रोटी और सलाद ज़रूर दीजिएगा लंच में। अब आते हैं इवनिंग स्नैक्स में। तो बच्चा अभी घर आ चुका है तो हमें इवनिंग स्नैक्स में बच्चे को थोड़ा फिलिंग देना है, तो उसके लिए आप रोस्टेड चना दे सकते हैं, रोस्टेड मखाना दे सकते हैं, रोस्टेड पीनट दे सकते हैं, बॉर्नविटा मिल्क दे सकते हैं। बच्चे को जो पसंद हो आप उसे वो दीजिए। कुछ कुछ बच्चे इसमें चिवड़ा भी खाना पसंद करते हैं इवनिंग में, तो आप वो दे दीजिए। अब डिनर आते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है डिनर का भी ऑप्शंस। दाल राइस जो भी हमारे घर में बना है हमें वो देना है, रोटी या सब्ज़ी। अब आते हैं बेड टाइम पे। तो बेड टाइम में हमें उसको 1 गिलास दूध देना है। अगर आप इसमें केसर मिला के देना चाहते हैं तो वैसे दे दीजिए, हल्दी मिला के देना चाहते हैं तो वैसे दे दीजिए। टोटली डिपेंड कि बच्चा क्या खाना पसंद करता है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा डाइट चार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।